राकेश सर, जो दो चीजें, एक तो टाइमिंग, अब राहुल गांधी की टाइमिंग बड़ी, देखिए बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है हाथरस, जाया जा सकता था केंद्र से। अभी मुझे जो ध्यान है, चाहे सुशील सर सही कर देंगे, आप ध्यान सही कर देंगे, मुझे कोई लीडर केंद्र का नहीं पहुंचा है वहां, केवल यूपी के चीफ मिनिस्टर ही बार पहुंचे दिखे हैं, और राहुल गांधी का पहुंचना, और उनका जो पूरा का पूरा जो कह लीजिए कि जिस अंदाज में वो पेश आ रहे हैं बार बार, जो नया स्वरूप है, इन सब पर आपकी अपनी टिप्पणी राकेश सर। धन्यवाद संजीत जी। देखिए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं और घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। ये जो 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 शेर है, ये इस समय भारत की राजनीति में सत्तारूढ़ दल पर 100% फिट बैठता है। आप सर देखिए कि भारत की राजनीति में हम लगातार 70-75 साल से लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पहला मौका आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दक्षिण से एक राजदंड ला करके लोकसभा में स्थापित कर दिया। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी राजदंड के बारे में भी कुछ नहीं जानती और राजधर्म के बारे में भी कुछ नहीं जानती, तब भी नहीं जानती थी जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, और अब भी नहीं जानती है जब वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो जो आदमी राजधर्म नहीं जानता, जो राजदंड का मतलब नहीं जानता, वो जनता के दुख दर्द को कैसे जाने। असली बात यह है, अगर देखिए, सुनील जी ने बात कही, बिल्कुल मुद्दे की बात कही, भाई हमारे सिंह साहब ने जो बात रविंद्र कही जी, उसमें भी, हाँ बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल एक सिलसिला बंधा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा लीक से हट के बात करता हूँ कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो संघ के प्रचारक रहे हैं, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से उन्होंने प्रचारक पद से अपनी मुक्ति नहीं पाई है, ना उसकी घोषणा की है। तो वो आज भी प्रचारक हैं और प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं। जब जिस आदमी को राजधर्म नहीं आता, जिस आदमी को राजदंड का मतलब समझ नहीं आता कि अब इस लोकतंत्र में राजदंड की जरूरत नहीं है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ कानून अपने ढंग से काम करते हैं, तो इन सब को चूंकि वो भूल चुके हैं, और उन्होंने हमेशा विपक्ष की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर के अभी तक, संयोग से बीच में अटल जी आ गए थे और अब जो 10 साल से हैं, तो ये अभी तक इनको ये आदत ही नहीं पड़ी कि राजधर्म होता क्या है, सत्ता में बैठी पार्टी की भूमिका क्या होती है। तो आज भी ये विपक्ष की भूमिका में है, और जब आपने सदन में देखा राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय, तो माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम, पूरे सिपहसालार विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे थे। जो काम विपक्ष करता है, टोका टाकी का, बीच बीच में उठक बैठक करने का, वो उन्होंने किया, तो ये उनकी विरासत है। अब बात है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का जैसा कि शुरू में सुनील जी ने कहा कि वो आज से गंभीर नहीं है, आज से जनता से कनेक्ट नहीं है, वो 2004 में जब पहली बार संसद में आए थे तब से उन्होंने इस भूमिका को चुन लिया था। और इसके पीछे देखिए, कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर देश की राजनीति के बारे में जानना है, तो कांग्रेस ने लंबे अरसे तक राजनीति सत्ता में रह के काम किया देश की जनता के लिए, और विपक्ष में भी रही, आपातकाल का एक बहुत गंभीर आरोप उस पर लगा, सत्ता से दूर भगाई गई, वापस सत्ता में आई, बावजूद उसके उसने उसे जो भूमिका मिली उस भूमिका में अपने तई बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की। जैसे इंदिरा गांधी को आप याद कीजिए, बेलछी से शुरू होके जो परंपरा शुरू होती है वो आज हाथरस पे आकर टिक गई है। ऐसी कोई परंपरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ, 100-125 लोग मर गए, तो मुझे प्रसन्नता तब होती है कि 55,000 से ज्यादा शाखाएं लगाने वाले आरएसएस के स्वयं सेवक वहाँ घायलों को उठा के अस्पताल ले जाते दिखाई देते, मृतकों का अंतिम संस्कार करते दिखाई दे जाते, एक आदमी नहीं दिखा। क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, जो देवतुल्य कार्यकर्ता होता था, देव दुर्लभ कार्यकर्ता होता था, उसकी आदतें बिगाड़ दी, बल्कि आरएसएस के स्वयं सेवकों की, जो मुंह में शक्कर पाँव में चक्कर लेके घूमते थे, उनकी आदतें बिगाड़ दी, उनको तनखैया कर दिया, वो स्वयं सेवा करना भूल गए, उनके लिए हाथरस जैसे हादसों का कोई महत्व तो नहीं रह गया है। इसलिए आप देखेंगे कि दिल्ली से हाथरस की दूरी कोई दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। चाहे तो प्रधानमंत्री संसद से फारिग हो गए थे वो जा सकते थे, चलिए वो बिल्कुल बहुत व्यस्त रहते हैं तो उनकी पार्टी का अध्यक्ष जा सकता था, केंद्र का गृह मंत्री जा सकता था, और तो और मुख्यमंत्री दौड़ के हवाई जहाज से आ जाते। और उनके पास तो आजकल जो मुख्यमंत्री होते हैं इस दौर के, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, उनके लिए हवाई यात्रा स्कूटर यात्रा जैसी है, चाहे जब शादी में जाना हो,
मंदिर दर्शन करने जाना हो, कहीं किसी को बधाई देने जाना हो, पहुंच जाते। तो हादसे के बाद तत्काल ही हम 1 घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भी 24 घंटे के बाद पहुंचे। और जी मेरी सूचनाएं कहती हैं कि हाथरस में जो हुआ वो वहां की राज्य सरकार के संरक्षण में पनपे लोगों की अराजकता का परिणाम है। जो मुख्य आरोपी है, जिसके खिलाफ मुकदमा अभी तक कायम नहीं है, सेवादारों के खिलाफ हो गए हैं, उस आदमी को भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है कमल वाला उसमें बैठ के जाते हुए देखा है। अब वो जब न्यायिक जांच होगी उसमें कोई गवाही देगा कि नहीं देगा, ये भगवान जाने, लेकिन दुनिया ने देख लिया और देश ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी राजधर्म नहीं जानती, जनता से कनेक्ट होना नहीं जानती, और जनता के बीच में और राजनेताओं के बीच में अदावत जो किस ढंग से हो सकती है, नफरत कैसे ज्यादा पैदा हो सकती है, ये करना जानती है। तो इस भूमिका में से बाहर निकलने में बहुत असुविधा हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी की वजह है कि राहुल गांधी को एक खुला मैदान मिल गया है। सहयोग जैसा कि है कि नए नए उम्र के जो लोग हैं, मतलब हमारी पहले बाद की पीढ़ी के जो लोग हैं, वो अब राजनीति में अपना झंडा फहरा रहे हैं, अखिलेश हों, राहुल हों और बाकी के कई लोग हैं। तो ये सब लोग, यहाँ तक कि राज्यसभा में जहाँ के बीजू जनता दल बिचारी अकेली खड़ी थी, उसको भी इन्होंने अपने साथ खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। इससे भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बढ़ गई है। इधर लोकसभा में संख्या बल कम है ही, यहाँ राहु केतु उनके आगे पीछे लगे हुए हैं, टीडीपी और जेडीयू, और बैसाखियां उनके दोनों दाएं बाएं खड़ी हुई हैं। ऐसे में राज्यसभा में भी अगर संख्या बल कम हो गया, बीजेपी के लोग अगर एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हो गए, तो ये सरकार अपने हिडन एजेंडे को आगे कैसे ले जाएगी, उसको पूरा कैसे करेगी? इसके पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है देश की जनता के कल्याण के लिए कि भाई हमने अपना एजेंडा तो एक तरफ रख दिया, जनता के लिए जो जेडीयू और टीडीपी और बीजेपी और चिराग पासवान और मांझी का ये कॉमन एजेंडा है, वो है ही नहीं। तो ऐसे में घबराहट बहुत बढ़ गई है, और आप देखेंगे कि हाथरस जैसी घटनाएं इस राजनीतिक तब्दीली का जो दौर है उसमें आग में घी का काम कर रही हैं। जनता का आक्रोश और तेजी से प्रस्फुटित हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव में हुआ था, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब 4-5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होंगे या उपचुनाव होंगे, अभी लोगों की नजर जी वायनाड पे है कि वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़के कैसे शान के साथ आती हैं या नहीं आती हैं, ये अलग बात है, लेकिन लोग अब विद्रोह के मूड में हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी को या तो राजधर्म सिखा के मानेंगे या उनका राजदंड जो स्थापित हुआ है उसको उखाड़ के मानेंगे। ये एकदम तय हो गया है राहुल गांधी की भूमिका से। अब चूंकि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, तो उन्हें केवल देश नहीं देखता, देश की राजनीति के लिए वो प्रासंगिक नहीं है, अब वो दुनिया की राजनीति के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। हर देश की नजर उनकी एक एक गतिविधि पर है, और आप देखेंगे कि जब भी अगला चुनाव हो, चाहे वो 6 महीने बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, राहुल गांधी ही अब इस देश की राजनीति का प्रमुख चेहरा होंगे। तब तक हो सकता है माननीय मोदी जी थक जाए, संन्यास ले लें, या दोबारा से प्रचारक की भूमिका में वापस लौट जाए। जी।